हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द चैनल। ये वीडियो थोड़ी इस चीज़ को लेके है कि आखिरी के 2-3 दिन बचे हैं मेंस के लिए RRB क्लर्क के। तो जितने लोगों के पास भी करंट अफेयर्स थोड़ी दिक्कत चल रही है और उनके पास अफेयर्स क्लाउड का सब्सक्रिप्शन है, या फिर उनके पास कोई जुगाड़ है कि अफेयर्स क्लाउड की PDF उन्हें मिल जाती है, ठीक है, तो उन सभी लोगों के लिए एक छोटी सी मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाना चाह रहा था कि लास्ट 3 दिन है, ठीक है, आपने अभी तक जितने भी करंट अफेयर्स पढ़े हैं, अगर आप नोट्स बनाते हो वेल एंड गुड, तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर आपने नोट्स बनाए हैं हर सेक्शन के अलग अलग, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, जैसे अफेयर्स क्लाउड की PDF में होता है, ठीक है, आपके स्टेट इंडेक्सेस, रैंक्स, फलाना 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 फलाना, राइट। अब बात यह है कि अफेयर्स क्लाउड की एक PDF आई है, ठीक है, और वो जनरली लॉन्च करते हैं, और ये मैंने PDF पढ़ी और मेरे को भी सच में काफ़ी सही लगी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स कवर्ड थी पिछले 3 महीनों की, जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर, अभी सेकेंड वीक तक की कवर थी। सेकेंड वीक खुद पढ़ना पड़ेगा, बट इस PDF में सब कुछ कवर्ड है, ठीक है, और सारा सेक्शन वाइज है। तो आपने पढ़ लिया जितना पढ़ लिया, नोट्स अगर नहीं बनाया है तो इस PDF को देखो, इससे सेक्शन वाइज प्रिपेयर करो, आपको रिवाइज करने में आसानी होगी, आपको सब कुछ देखने में आसान होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ ये PDF कौन सी है, थोड़ा सा दिखा देता हूँ, बट आई एम नॉट श्योर कि सेकेंड, ओके, ये है RRB मेंस 2022 इंटेंसिव करंट अफेयर्स क्लाउड की PDF है ये, ठीक है, और लेट मी शो यू अ लिटिल। इनका पेड कंटेंट है तो मैं आपको ऐसे वो तो नहीं कर सकता, जैसे क्या है ना, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में सारे करंट रेट्स और सारे जो रेट वगैरह हैं सब कुछ दे रखे हैं, इंडिया के GDP वगैरह की प्रोडिक्शन जितनी भी दे रखी हैं। RBI ने इन न्यूज़, RBI इस समय न्यूज़ में क्यों था, SBI न्यूज़ में क्यों था, MOU साइन कैस कौन कौन से हैं, ठीक है, ये सारे टॉपिक वाइज है, फाइनेंस, इंश्योरेंस को लेके, इकोनॉमी को लेके जो 2-3 न्यूज़ आ रही हैं, बिजनेस को लेके हैं, नेशनल अफेयर्स हैं, ठीक है, करंट अप्रूवल्स क्या हैं, PM's लॉन्चेस, ये इनाग्रेशन, ये सारा कुछ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स भी दे रखे हैं आपको नेशनल अफेयर्स के, ठीक, उसके बाद इंटरनेशनल अफेयर्स हैं जिसमें विजिट्स, इंडिया विजिट, फॉरेन विजिट्स, कमिटीज़ कौन कौन से फॉर्म हुई हैं, उनके चेयरमैन कौन हैं, कौन कौन से समिट्स हुई हैं, इवेंट्स हुई हैं, कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, ठीक है, उसके बाद इंडेक्सेस, रैंक्स एंड इंडेक्सेस, एक दो सवाल हमेशा आते ही हैं, ठीक है, वो स्टेट और सिटी वाइज दे रखे हैं, इंटरनेशनल रैंकिंग्स दे रखी हैं, अपॉइंटमेंट्स दे रखे हैं, नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर जितने भी हुए हैं, उनके रेजिग्नेशन जितने भी हुए हैं, अवार्ड्स कौन कौन से किस किस को मिले हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं पिछले 3 महीने में, डिफेंस की क्या चीज़ें हैं, सारी इंपॉर्टेंट दे रखी हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा चूज नहीं करना पड़ेगा कि कौन सी पढ़ूँ कौन सी ना पढ़ूँ, आप जनरली सारे पढ़ोगे, आप लोग यार सारे इंपॉर्टेंट और रिवाइज करने, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखा जाए तो स्पोर्ट्स को लेकर सारा स्पोर्ट्स का अलग अलग, जैसे टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन, चेस, जनरली यही रहता है, टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन, चेस यही रहता है, और फुटबॉल का रहता है ये साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन वाला, ठीक है, जो इंडिया जीत रही है श्रीलंका को हरा के, बांग्लादेश को हरा के, जो भी U17 में भी श्रीलंका को हराया था, ठीक है, ग्रैंड प्रिक्स वगैरह, और अदर स्पोर्ट्स का भी सब कुछ मैंशनड है, ओबिचरीज, नेशनल, इंटरनेशनल, फिर बुक्स एंड ऑथर्स, जो इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स हैं, इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल ऑब्जर्वेंस, इंटरनेशनल ऑब्जर्वेंस, जो ऐप्स एंड वेब पोर्टल्स हैं। अब देखो जैसे इन्होंने इसमें भी दे रखा है, तो वो मेरे को ये चीज़ अच्छी लगी कि जैसे इन्होंने जून के दे रखे रेट्स, फिर उन्होंने इसके दे रखे हैं अगस्त के, और क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि जून अभी कितना बढ़ गया है, रेपो कितना कम हो गया है, CRR पहले कितना था अब कितना हो गया है, ठीक है, तो और अपॉइंटमेंट्स में भी उन्होंने बताया कि किन को हटा के कौन बना है, इस चीज़ को लेके इंडिया की GDPs की प्रोडिक्शन सबके अकॉर्डिंग, जैसे मॉर्गन स्टैनली ने बताई है, आपकी गोल्डमैन सैक्स ने, फिच ने, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ये सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं ये हैं, ठीक है, अगस्त में ये क्या क्या नेशनल न्यूज़ रही थी, और देख लो सारी चीज़ें हैं। तो आई वुड सजेस्ट आप ये, ठीक है, और बस ये इतनी छोटी सी वीडियो थी, 4-5 मिनट की, 4-5 मिनट भी काफ़ी हो गए हैं, ठीक है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी लेकिन काफ़ी हो गया टाइम। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, इफ़ यू वॉच द वीडियो, इफ़ यू लाइक इट तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, यू नो करना है कर दो, कर दिया करो यार, हैं, चलो बाय।